इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है एलाइट मोशन। अगर आपके पास एलाइट मोशन नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको डिस्क्रिप्शन से बिटमार्क प्रोजेक्ट को एलाइट मोशन पे इनपुट कर लेना है। अगर आपको प्रोजेक्ट इनपुट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो मिलेगा, इस वीडियो में बताया कि किस टाइप से आपको एलाइट मोशन पे प्रोजेक्ट को इनपुट करना है। तो जाके आपको वीडियो को वॉच कर लेना फुल वॉच, और एलाइट मोशन पे आप इजी तरीका से प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब गाइस देख पा रहे इसमें आपको बहुत सारा आपको लिरिक्स देखने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको कंटिन्यू आपको लास्ट तक वॉच करना, थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आसिफ टेक, तो वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पे जो आपका जो यूट्यूब चैनल का नाम है या फिर इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको इसमें ऐड करना है। अब चलिए बताते हैं कैसे आपको ऐड करना है। जैसे कि पहले हमारा आसिफ टेक है, तो हमारा एस से जो हमारा नाम है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो हमारा ए लिखा हुआ इसको हम डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद जो भी आपका यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम आईडी का जो नाम है वो आपका फर्स्ट लेटर, जिस भी लेटर से आपका स्टार्ट होगा वो आपको टाइप कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ ए ही टाइप करेंगे, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल खुद का यूट्यूब चैनल का नाम पहले से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपका स्टार्ट होगा वो आपको इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद हमारा सेकेंड हो रहा है एस, हमारा स्पेलिंग हो गया आसिफ का हो गया ए एस एच आई एफ, तो हमारा सेकेंड हो रहा है एस, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद आपको अपना नाम ऐड कर लेना है। हम सिंपल से इसमें एस ऐड कर लेते हैं, तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। और जो भी आपको ये सब लेटर मिल रहा है, ये सब लेटर में आपको अपना नाम को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें देना है एडिटर, एडिटर की जगह पे आप प्रोफेशनल एडिटर या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आप इसमें एडिटर को रहने दीजिएगा तो इससे जो वीडियो है ये वीडियो आपका और आपका अच्छा देखने पर लगेगा। इसके बाद गाइस आपको स्लाइड करना है और आपको 8 सेकंड पे आ जाना है, और देख पा रहे इसमें आपको फुल नेम देखने के लिए मिल जाएगा स्क्रीन पे, जो कि हमारा नीचे पे आसिफ और ऊपर में एडिटर लिखा हुआ है, उसको हम दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिए एक आसिफ एडिटर। तो आपको इसमें टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको डिलीट करना है, और आपका यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम आईडी का नाम इसमें ऐड कर लेना है। अब फाइनली आपका जो लिरिक्स का काम था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपको फोटो को ऐड करना है, तो फोटो को ऐड करने से पहले आपको फोटो को एडिट करना है। तो फोटो को एडिट करने के लिए आपको बैक आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको 9x16 रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, या फिर 4.5 साइज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको फोटो को सेलेक्ट करना है, 3 लाइन पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है, राइट पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और क्लोज आ जाना है। फोटो को आपको डिलीट कर देना है। फोटो को डिलीट करने के बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करके फुल स्क्रीन करना है, राइट पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करके टोटल आपको 6 इमेज को गैलरी में सेव करके न्यू प्रोजेक्ट को डिलीट कर देना है और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब जैसे आपका बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ये जो ग्रुप एंड मास है इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, और आपको स्क्रीन पे फोटो देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके इमेज को सेलेक्ट कर लेना, जो कि अभी आप 4.5 साइज में एडिट किए तो वो फोटो को आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब फोटो ऐड हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है, और देख पा रहे फर्स्ट स्क्रीन पे फोटो हमारा ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करना है, जो नेक्स्ट इमेज रहेगा वो आपको इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, और देख पा रहे गाइस कुछ इस टाइप से आपको इफेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो हम दो ही फोटो को एडिट करके इस वीडियो को बताएं, आपको टोटल 6 फोटो को ऐड कर लेना है कंटिन्यू आपको 11 सेकंड तक। जैसे आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट वाला बटन पे क्लिक करके आपको वीडियो को सेव कर लेना है गैलरी में।